मेरी बहन को बचा लेना। ये अचानक सपेरे की पुंगी कहां अटक गई? क्या हुआ प्रेम? उधर उधर। सोनिया सोनिया क्या बात है? अच्छा निकल गया भैया भैया भैया। कम ऑन डोंट वरी मैन। उधर उधर। ओह ब्लडी फॉल। कम ऑन मैन। डोंट वरी डोंट वरी सपेरा जी डोंट वरी सोनिया यू डोंट वरी। डर के मारे मेरी दाढ़ी आपके हाथ में आ गई। दीजिए कमीने मैं तेरे को पहचान गया हूं। तलवार कहां है? तलवार तलवार सोनिया चांद से मार हुआ कमीने को। कहां कमीना? वो भाग गया। टेक केयर ऑफ यू। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग राणा से इतना डरते क्यों हो? वो भी हमारी तरह के इंसान है। हाँ विजय, पर हम लोग तो बाल बच्चेदार शरीफ इंसान हैं, और वो इंसान के रूप में एक शैतान है। इससे पहले कि शराफत का चोला इंसान को कायर बना दे, वो चोला उतार कर फेंक देना चाहिए। देखो, मैंने राणा के सामने झुकने से इनकार कर दिया और ऊपर वाले ने मेरी मदद के लिए विजय को भेज दिया। नमूना तो हमने दिखा दिया है, बस आप सबका साथ चाहिए। वो कैसे? राणा को हफ्ता देना आप लोग बंद कर दो। लेकिन लेकिन ऐसा करने पर तो राणा हमारा खून पी जाएगा। इस देश में अभी कानून जिंदा है। आप लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस तैनात है। यहाँ की पुलिस और राणा के गुंडों में सिर्फ वर्दी का फर्क है, बाकी तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ की पुलिस बेईमान हो सकती है, लेकिन सारे हिंदुस्तान की तो नहीं। आप लोग सब मिलकर राणा के खिलाफ कंप्लेन लेकर कमिश्नर साहब के पास क्यों नहीं जाते? मैंने आप लोगों की एप्लीकेशन पढ़ी है, एंड आई अश्योर यू कि मैं इस मामले में जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। थैंक यू सर। हाँ राणा साहब, मैं हूं। बोलो कमिश्नर। खंडाला के शॉप ओनर एसोसिएशन ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। कोई बात नहीं, मैं उन सबको प्यार से समझा दूंगा, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। हुकुम कीजिए। मुझे उस लड़के विजय की जन्म कुंडली चाहिए। ठीक है, मैं आज ही अपने आदमियों को इस काम पे लगा देता हूँ। हमारे लिए क्या हुकुम है भैया? जाकर उस जगदीश को ठीक करें जिसने सारे दुकानदारों को साथ लेकर आपके खिलाफ कंप्लेन की है। उसका तो आज मैं वो हाल करूंगा कि कल से वो खंडाला में भीख मांगता हुआ नजर आएगा। उसका स्टोर पूरी तरह से बर्बाद कर दो। लेकिन सबक तो विजय को भी सिखाना पड़ेगा जिसके शह पर जगदीश ने यह कदम उठाया है। उसका तो वो हाल करो कि वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। लेकिन हां, उस कसीनो को कुछ नहीं होने पाए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमें किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। शुरुआत किससे करें भैया? इसका फैसला करेगा ये मेरा सिक्का। विजय, जिसको मरने का शौक है वो कसीनो जाएगा, क्योंकि आज से ये कसीनो बंद रहेगा। क्या बात है, आज बार बिल्कुल खाली है। पता नहीं क्या बात है। विजय, कैसीनो के बाहर राणा के आदमी लोग खड़े हैं, किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे। Thank you.
भरी हुई पिस्तौल से खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है। इनसे खेला करो बच्चे। ये क्या हो रहा है सब? अपने आदमियों से पूछो। सैम्बो। जी भैया। ये क्या है सब? जाने दो इन लोगों को अंदर। मुझे बताओ किस किस को अंदर जाना है। आपको जाइए ना अंदर। भाई जगदीश तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुम्हारी पहचान तो कमिश्नर तक है। अंदर जाने से तुम्हें कौन रोक सकता है? जाओ, हमें पहले मालूम होता तो शायद हम तुमसे हफ्ता नहीं लेते। कमिश्नर, कम ऑन बॉयज। राणा, अपने बच्चों को वही खिलौने दिया करो जिनसे वो खेल सके। मेरे बच्चे तो बारूद के ढेर में बड़े हुए हैं बाबू, पर इस शहर को धमाके की आवाज सुनने की आदत छूट चुकी है। पर अब लगता है वो दिन आ गया है कि खंडाला घाटियों में फिर से धमाके की आवाज गूंज उठेगी। सब ठीक हो जाएगा जगदीश। अरे राणा के गुंडों ने मेरे को बर्बाद कर दिया, इस राणा ने मेरे को बर्बाद कर दिया। विजय मेरा क्या होगा? आज तो मजा आ गया राणा साहब, मजा आ गया। कैसीनो बंद होने के बाद भी घर जाने को दिल नहीं कर रहा। वाह, कमाल हो गया आज तो। भैया मजा आया, बहुत मजा आया। गुड नाइट राणा साहब। गुड नाइट। क्या बात है इंस्पेक्टर, आज सुबह सुबह यहाँ पुलिस स्टेशन में हड़ताल चल रही है क्या? आज मैं तुमसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। बड़े पंक्चुअल हो गए, पूछो। कल रात राणा के कैसीनो को बम से उड़ा दिया किसी ने। कमाल है, ये खंडाला में क्या होते जा रहा है? कल रात जगदीश के स्टोर को भी बम से उड़ा दिया किसी ने। जब राणा के कैसीनो में ब्लास्ट हुआ तब तुम कहाँ थे? जब जगदीश के स्टोर में ब्लास्ट हुआ तुम कहाँ थे? मुझसे सवाल मत करो, जितना पूछता हूँ उसका जवाब दो। मेरा सवाल ही तेरे हर सवाल का जवाब है इंस्पेक्टर। देखो मेरे पास कुछ ऐसे गवाह है जो ये साबित कर सकते हैं कि राणा के कैसीनो में जब ब्लास्ट हुआ तब तुम वहां मौजूद थे। मेरे पास भी ऐसे गवाह जो साबित कर सकते हैं कि जब जगदीश के स्टोर में ब्लास्ट हुआ तब राणा ही नहीं तुम भी वहां मौजूद थे।